बिहार के बांका में बुधवार को अहले सुबह पुलिस ने छापेमारी कर शहर के अनुराग गेस्ट हाउस में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे नकली थाने का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में पुलिस की फर्जी वर्दी में एक युवक और युवती को भी गिरफ्तार किया है। नकली दरोगा बनी युवती अनिता देवी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। उसने बताया कि ये कट्टा उसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीखने के लिए दिया गया था। उसने दावा किया कि उसकी बहाली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर हुई है। फर्जी पुलिस थाने में मुंशी का काम कर रहे फुल्लू डूमर के लौढ़िया गांव के रहने वाले रमेश कुमार और सुल्तानगंज के खानपुर के रहने वाली जूली कुमारी को भी हिरासत में लिया गया है। भागलपुर जिले के खानपुर में रहने वाले आकाश कुमार को भी पुलिस वर्दी और अन्य कई कागजात के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में सभी आरोपियों ने बताया कि वो अपने सीनियर ऑफिसर भोला यादव के निर्देश पर काम कर रहे थे। आरोपी भोला यादव फुल्ली डूमर इलाके का रहने वाला है। आरोपियों ने बताया कि काम के एवज में उन्हें हर दिन 500 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। पुलिस ने गेस्ट हाउस से इनके निजी रसोईया को भी गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर SDPO DC श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी पुलिस गिरोह का संचालन करने वाला मुख्य सरगना अभी फरार है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।